तो स्वागत है आपके ट्रैवल सिंह की एक और नए वीडियो में। आज हम जे ऑटो आ रखे और अपने पास डस्टर आके और डस्टर में हल्की हल्की सी मॉडिफिकेशन और जो साउंड वगैरह भी इसमें अपग्रेड कर दी गई है। तो अभी हम चलते हैं गाड़ी के पास, आपको काम दिखाता हूँ गाड़ी में क्या क्या काम हो रहा है। यहाँ आ रखे हम जे ऑटो, यहाँ पे अपनी डस्टर का काम हो रहा है। तो भाई हम आज स्टार्ट कर रहे हैं आगे से गाड़ी की, आगे से लुक देखो तो ये ना हेडलाइट में डियर लगा है। अब इसका मैं आपको दिखाऊंगा आउटपुट किस टाइप का है, किस टाइप की लुक आ रही है। थोड़ा सा हम अंदर आते हैं तो देखो स्पीकर वगैरह डाले भैया ने, म्यूजिक वगैरह का काफ़ी काम हो अंदर। तो स्पीकर है रॉकफोर्ड के, तो अभी इसका आउटकम देखेंगे किस टाइप का आउटकम रहने वाला है। अभी देखो स्टेयरिंग पे जो कवर स्टिच हो रहा है काफ़ी सफाई से काम हो रहा है, और देखो आधा स्टिच हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे काफ़ी सफाई से परफेक्शन के साथ काम हुआ है। तो अभी नीचे बाकी काम चल रहा है, एक बार काम कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपको दिखाऊंगा। कोई सीट कवर वगैरह भी डल चुके हैं, थोड़ा सा पीछे अभी काम चल रहा है, पीछे सीट कवर वगैरह एडजस्ट हो रहे हैं, तो एक बार वो हो जाए वो भी आपको दिखाऊंगा। बाहर की साइड बात करते हैं, देखो डोर गार्ड लगे हैं अपनी गाड़ी में, देखो इससे काफ़ी सेफ्टी रहती है, देख लो भाई तो काफ़ी अच्छा, इससे मजबूती रहती है और लुक भी गाड़ी का थोड़ा सा अच्छा हो जाता है और सेफ्टी रहती है। तो गाड़ी को सिंपल रखा गया, मेन काम जो आगे लाइट में हुआ है जैसे मैंने आपको दिखाया था, अभी उसका आउटकम दिखाऊंगा। तो अभी अंदर काम चल रहा है, और अगर इधर हम आते हैं तो उससे म्यूज़िक में काफ़ी काम हुआ है, जैसे अपना यहाँ नीचे वूफर वगैरह भी लगा है, अंडर सीट वूफर वगैरह भी लगा है गाड़ी में, और भैया सिस्टम वगैरह भी लगना है इसमें अपनी गाड़ी में, तो सिस्टम वगैरह भी लगना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेन काम गाड़ी में अंदर ही हुआ है, तो अभी देखेंगे अपना काम, अभी गाड़ी का चल रहा है, एक बार हो जाए काम कम्प्लीट फिर मैं आपको दिखाऊँगा क्या आउटकम है पूरा। भाई ये देखो अपने ना इसमें 70 मैट भी इंस्टॉल हो रहा है, देखो लुक देखो, क्योंकि गाड़ी में फ्लोरिंग नहीं करा रखी भैया ने, तो अगर फ्लोरिंग ना करो तो मैं रेकमेंड करता हूँ आप 70 मैट डालो, अदरवाइज़ वैसे मेरी रिकमेंडेशन अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको फ्लोरिंग ही रेकमेंड करूँगा। अगर आप फ्लोरिंग करा लोगे तो गाड़ी में 70 मैट लगाओगे, नॉर्मल मैट से भी काम चल जाता है, बेटर सेफ्टी रहती है। पर फिर भी अगर फ्लोरिंग नहीं करवा रहे आप, अगर आपकी चॉइस है तो आप 70 मैट से लगा देंगे, गाड़ी में अच्छी कवरेज आ जाती है। देखो पूरी कवरिंग है इसकी, काफ़ी अच्छी कवरिंग है, तो एक बार ये भी इंस्टॉल होगा ना फिर मैं इसका भी दिखाऊंगा किस तरह से कवरिंग है रहने वाली इसकी। देख लो एक बार सीट कवर, देख लो सीट कवर का काम, देखो कितना परफेक्शन के साथ हुआ है, प्रॉपरली देखो, देख लो बिल्कुल इंटीरियर के साथ मैचिंग है सीट कवर, ये देखो छत और अपना जो अंदर का जो है उसके साथ मैचिंग किया गया है, ये देख लो भाई प्रॉपरली, तो डुअल टोन किया गया है, पीछे से जो ब्लैक है सीट कवर, एक बार मैं आपको पीछे भी जाके दिखाऊंगा, और आगे जो है वाइट कलर है, ऑफ वाइट कलर है जो कि छत के साथ मैचिंग है, और कोई रिंकल वगैरह नहीं है, देख लो आप परफेक्शन के साथ काम है। देख लो मैं आपको दिखाता हूँ, देख लो भाई, देख लो भाई, देख रहे हो भाई, और ये भी अपने जो है अपना स्टिच हो चुका है। तो उस साइड से आता हूँ मैं आपको ये दिखाता हूँ। भाई जो हम बात कर रहे थे, देख लो अपना जो है स्टीयरिंग कवर स्टिच हो गया है, बिल्कुल परफेक्शन के साथ काम हुआ है, देखो देखो बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम हुआ है अच्छे तरह से। तो अभी अपना एंड्रॉयड इंस्टॉल होना रहता है तो वो हो जाएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल हम सीट कवर की बात कर रहे थे, सीट कवर देख लो भाई परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट है, देख लो भाई, देख रहे हो कोई रिंकल वगैरह कोई अनटाइटनेस आपको दिख रही इसमें, देख रहे हो, देख लो भाई ये देखो, अभी मैं पीछे वाली सीट पर बैठा हूँ, देखो क्योंकि मैं आपको बेसिकली डुअल टोन दिखाना था, देखो इसमें ना डुअल टोन इफेक्ट रखा गया, और पीछे पॉकेट्स वगैरह भी दी गई है, तो कुछ ट्रैवल के समय आपने कुछ सामान वगैरह रखना है तो आपको इजीली रख सकते हो उसको, तो देख लो भाइयों। तो ये देखो स्टिचिंग उसी कलर की गई जो सीट का कलर है आगे, देख लो भाइयों मैं आपको प्रॉपरली दिखा रहा हूँ, ये देखो, और काफ़ी कंफर्टेबल है, मैं बैठा हूँ पीछे वाली सीट पर तो काफ़ी कम्फर्टेबल है। एंड्रॉयड का इंस्टॉलेशन हो चुका है स्टार्ट, तो ये हो जाए काम अपना कंप्लीट फिर मैं आपको पूरी गाड़ी का लुक दिखाऊंगा। और जो साउंड है ना, साउंड में काफ़ी काम हुआ है गाड़ी में, स्पीकर वगैरह डाले चारों साइड डाले, रॉकफोर्ड के स्पीकर ये देख लो इधर भी डला हुआ है, सीरीज रॉकफोर्ड की, तो ये पंच सीरीज है रॉकफोर्ड की, पंच सीरीज आती है वो डली है, चारों साइड डली हुई है, तो काफ़ी अच्छा आउटपुट आने वाला है। देखो भैया एंड्रॉयड का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया, कपलर टू कपलर फिटिंग रहती है, फिर आपको मैं पूरा आउटकम सुनाऊंगा और गाड़ी की पूरी लुक आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आगे जो है डीआरएल का काम हुआ है वो मैं दिखाऊंगा किस टाइप का लुक रहने वाला है डीआरएल का। चलो हमने डस्टर में वॉइजर इंस्टॉल हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया बारिशों का मौसम है और वॉइजर का काफ़ी फ़ायदा मिलता है, काफ़ी मज़ा ले सकते हैं आप इसका, बारिश से थोड़ा सा शीशा नीचे करके काफ़ी ठंडी हवा आती है गाड़ी में, एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, और लुक भी गाड़ी की अच्छी हो जाती है जैसे आप देख पा रहे होगे। तो देखो वॉइजर लगाते गाड़ी का लुक काफ़ी अपग्रेड हो गया, तो एक बार चारों साइड लग जाना फिर मैं आपको दिखाऊँगा लुक, वो बढ़िया मजबूती से लगता है, देखो मजबूती से लगा हुआ, ईजिली हटने वाली चीज़ नहीं है, हटने वाली चीज़ ही नहीं है, और लुक भी देखो कितनी बढ़िया हो गई गाड़ी की, देख लो भाई
तो एक बार अपना वॉइजर का काम कंप्लीट हो फिर मैं चारों तरफ से लुक दिखाऊंगा किस टाइप की लुक आ रही है गाड़ी की। तो भाई ये देखो DRL जो मैं बता रहा था भैया ने DRL लगवाई है, ये देखो ये यूनिवर्सल है, किसी भी जो भी गाड़ी उसके लिए लग जाती है, कोई भी गाड़ी। एक बार दूर से मैं आपको लुक दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छी लुक आ रही है, देख लो भाई ये देख लो भाई। पहले मैंने आपको इंडिकेटर में दिखाया, अब ये देख लो, तो काफ़ी अच्छी लुक है। अभी लगभग शाम के 5:30 बज रहे हैं तो इतना शायद नहीं पता चल रहा होगा डे लाइट में, अंधेरे में काफ़ी अच्छी लुक रहने वाली है, देख लो भाई। हो गया कंप्लीट, देख लो भाई ये अपना लग गया है 7 इंच का ना भैया, यानी वो लगाया एंड्रॉयड लगाया, तो अभी इसका मैं दिखाऊंगा आउटपुट, साउंड का क्या आउटपुट रहने वाला है, क्योंकि नीचे अपना अंडर सीट वूफर भी लगाया भैया ना आपने, तो अंडर सीट वूफर भी लगा है और अपने जो है चारों साइड स्पीकर लगे हैं, तो रॉक फोड़ के लगे चारों साइड स्पीकर लगे, तो इसका मैं अभी आउटपुट दिखाऊंगा, काफ़ी बढ़िया आउटपुट रहने वाला है इसका। साउंड स्टार्ट कर दिया, मैं आपको दिखाता हूँ आउटकम कैसा है, किस टाइप का रिस्पॉन्स है, मैं थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाना। तो देखो अभी वॉल्यूम फुल नहीं किया बट काफ़ी बढ़िया साउंड हो रहा है, और अंडर सीट ऊपर जो उसका भी रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, सीट हिल रही है, वाइब्रेट हो रही सीट। थोड़ा सा मैं बाहर सुनाता हूँ आपको साउंड, गाड़ी से बाहर आ गए और साउंड देखो बाहर भी काफ़ी अच्छा साउंड है, और अंडर सीट जो ऊपर लगा उसका बेस भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, देख लो भाई। तो काफ़ी अच्छा आउटकम है साउंड का, जो मैंने आपको बताया था कि साउंड पे मेन काम हुआ है। आते तो देखो भाई ये 70 mat जैसे मैंने आपको बताया था गाड़ी में लगने वाले हैं और लग गए, देखो कवरेज काफ़ी अच्छी है, देखो तो साइड पे कहीं जूते वगैरह टकरा जाता है कुछ गिर जाता है गाड़ी में तो मैट पे ही आपके रहता है, तो मेन बॉडी जो गाड़ी की ख़राब नहीं होती उससे। तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप फ्लोरिंग नहीं करवा रहे तो 70 mat जरूर लगवाओ गाड़ी में, तो देखो काफ़ी अच्छी कवरेज है इसकी। तो वही है कि अगर आपकी गाड़ी में गिर जाए तो इसी पर गिरेगा और आपकी गाड़ी जो बच जाएगी, और आप गीला कपड़ा वगैरह मारो तो आपकी गाड़ी साफ़ हो जाएगी। तो अभी मैं आपको गाड़ी की एक बार लुक दिखाता हूँ, देख लो भाई गाड़ी की लुक इस टाइप की रहने वाली जैसे मैं आपको दिखा रहा था, क्योंकि आगे जो है सिर्फ DRL का काम हुआ है, तो गाड़ी में ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करा रखी, अंदर साउंड वगैरह सीट कवर वगैरह का जो काम हुआ है वो मैंने आपको दिखाया इसमें। तो एक बार गाड़ी का ना आपको मैं 360° व्यू चेक कराता हूँ। सबसे पहले अपना थोड़ा नाम बताना प्लीज। तारन। तो तारन जी हमारे साथ है भैया, गाड़ी में जो मतलब सिंपल सा मॉडिफिकेशन करा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपकी गाड़ी टॉप मॉडल है, 4x4 है ये, तो आगे आपने लाइट में जैसे DRL वगैरह लगाया जिससे लुक गाड़ी की और बढ़िया होगी आगे, क्योंकि लाइट ऑलरेडी इसकी काफ़ी अच्छी है बट उससे लुक थोड़ी ऑसम होगी है, और गाड़ी का जैसे सीट कवर वगैरह लगाया जो काम मैंने दिखाया भाइयों को, तो भैया थोड़ा अपना फीडबैक दो, काम से आप खुश हो या नहीं हो? काम से खुश है। और जो मतलब कॉस्ट वगैरह आपको नॉमिनल लगी या ज़्यादा लगी? मतलब आप सेटिस्फाइड हो काम से, कोई शिकायत वगैरह तो नहीं? चलिए ठीक है, थैंक यू भैया।